तो हेलो दोस्तों दोस्तों चार्जर तो आपके घर में सभी के होगा, तो इसके जो आगे की पिन होती है ना चार्जर की, ये वाली, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार इतना अगर छोटा सा सोल्डर होता तो कितना इजी होता उसको पकड़ना, उसको कहीं पर भी लेकर जाना, उससे सोल्डिंग करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे इतना छोटा सा सोल्डर। देखिए ये दुनिया का सबसे छोटा सोल्डर, आपने इतना छोटा सोल्डर कभी नहीं देखा होगा, ये उंगली से भी छोटा है। तो ये 5 वॉट से चलता है, आप इसको जेब में डालकर कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, जैसे मूंगफली होती है ना उतना ही साइज है इसका। और ये जो वर्क करता है आप हैरान रह जाओगे, पूरे अच्छे तरीके से सोल्डिंग करेगा। आप इसे मोबाइल की या फिर अपने किसी भी चीज की सोल्डिंग कर सकते हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सोल्डिंग। ये पूरा हीट हो जाता है सिर्फ 5 वॉट के चार्जर से, आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो और कहीं से भी इसको सोल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए गाइस इसको बनाने का तरीका देखते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के छोटे से मिनी सोल्डर को बनाने के लिए हमें इन इन चीजों की जरूरत होगी, मैं एक एक कर आपको दिखाता हूं ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले स्टील वायर की यूज होगा इसमें, स्टील वायर वही होती है जिससे आप बर्तन मांजते हो ना, वही वाली वायर है ये। आप इसके बदले नाइक्रोम वायर भी ले सकते हो। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक छोटा सा मेरे पास एंटीना, एक एंटीने की छोटी सी पाइप थी, उसको मैंने कट करके इतना साइज का कट कर लिया। ये एंटीने की पाइप है, जो सबसे ऊपर वाली पाइप होती है ना एंटीने की, वही वाली है। आप इसकी जगह कोई भी कॉपर वायर का भी यूज कर सकते हो, मतलब तांबे की वायर का, तांबे की तार का, तो वो मेरे पास थी नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये भी एंटीने का पार्ट है और ये भी एंटीना का पार्ट है, मतलब रेडियो एंटीना होता है ना, ये उसकी पाइप है और ये उसके आगे वाली टिप है उसको, जिसको मैंने कट किया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है मेरे पास, फीमेल पोर्ट, और एक मेरे पास जो पेन की कैप होती है ना उसको मैंने कट करके इसकी बॉडी बनानी है। एक एक करके मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, वीडियो इसके साथ बने रहिए। तो यहां पर एक स्विच है मेरे पास, अगर आप इस सोल्डर में स्विच लगाना चाहते हो तो आपको इस प्रकार का स्विच लगाना पड़ेगा। इसको बनाने का तरीका मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा, इसको यहां पर आप लगा सकते हो। तो अगर ऐसा स्विच आपने बनाना है गाइस, तो इससे एक फायदा होता है कि इसमें आम स्विच आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आम जो स्विच होता है ना वो बहुत ज्यादा हीट होता है, जिससे वो आप इसमें अटैच नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी वायर के साथ, जैसे कॉपर वायर या फिर जो मैंने एंटीने की वायर आपको दिखाई थी ना, उसके साथ 2 वायर अटैच करनी है आपने। पर सबसे पहले आपको फाइबर स्लीप चढ़ानी है और सेंटर में ये स्टील वायर मैंने अटैच की हुई, मतलब पहली वाली वायर के साथ जोड़कर लास्ट में दूसरी वाली वायर के साथ मैंने स्टील वायर को इस प्रकार से अटैच करकर एक एलिमेंट बना दिया है, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बना लेना है। और इस प्रकार के जो एंटीने की पाइप मैंने आपको दिखाई थी, इसको मैंने कट किया हुआ है छोटे से आकार में, इसके अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, तो इसको पूरे के पूरे को जो मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, देखिए। तो गाइस आप बेफिक्र रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट में आपको मैं इसकी सर्किट डायग्राम पूरी समझा दूंगा। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें मैंने क्या क्या किया है अभी मैंने जैसे आपको समझाया, बट अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आपको लास्ट में सर्किट डायग्राम मैं समझा दूंगा। तो यहां पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो मैंने आपको कहा था, तो वो वाला आपने लेना है और सीधा इसकी 2 जो वायर होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके साथ जो हमारी एलिमेंट की वायर है उसको सीधा ही आपने अटैच कर देना है, देखिए। इस प्रकार से आपने इन दोनों को दोनों वायर के साथ अटैच कर देना है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, आप जैसे मर्जी इसको अटैच कर सकते हो। पर सबसे पहले जो इसकी बॉडी है, मतलब एक पेन का जो कैप होती है ना, उसको मैंने कट कर लिया था इस आकार में। तो आपने इसकी बॉडी ऐसी बना लेनी है, कोई पेन को आप कट करके रख सकते हो या कुछ भी उसकी कैप कट करके रख सकते हो। तो इसकी पेन की जो कैप होती है ना, उसमें पहले इसको हम इस प्रकार से डालेंगे, देखिए। और आगे की तरफ जो हमारा एलिमेंट हमने बनाया था ना, उसको माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़ देंगे, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लग जाएगा, देखिए। ठीक है, आपको मैं इसके सर्किट डायग्राम भी समझा दूंगा, अभी आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आपने देख लिया कि हमारी जो सोल्डर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसमें स्विच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो ये मैंने एक और सोल्डर बनाया था, अगर आप चाहते हो इसकी वीडियो तो इसकी वीडियो में आपके लिए ला दूंगा। ये टोटल 12 वोल्ट से चलने वाला सोल्डर है, उसकी जो पीछे का जो प्लग है ना, ये मैंने एमसील से बनाया है, खुद ही बनाया है, तो इसको भी आप बनाना सीख सकते हो। इसके आगे की जो टिप है ना, वो बहुत ज्यादा बारीक मैंने बनाई है, ताकि आप जो मोबाइलों की सोल्डिंग भी इससे कर सको, तो ईजिली आप इससे सोल्डिंग कर सकते हो। ये 12 वोल्ट पर चलता है। और गाइज अभी हम चलते हैं अपने दूसरे छोटे मिनी सोल्डर पर, उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। बट अगर आपने बड़ा वाला सोल्डर बनाना सीखना है, जो मैंने आपको 12 वोल्ट का दिखाया है, तो उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ये इंजेक्शन से इसकी मैंने बॉडी बनाई थी, तो अभी मैं छोटे सोल्डर क्या आपको बता देता हूं। तो ये जो छोटा सोल्डर है, ये हमारा चलेगा 5 वोल्ट की सप्लाई से, मतलब 5 वोल्ट के चार्जर से। तो यहां पर जो मेरे पास चार्जर है ना, वो 2 एम्पीयर का चार्जर है। अगर आपके पास 2 एम्पीयर का चार्जर नहीं है, अगर आपके पास 1 एम्पीयर का चार्जर है, तो आपने जो स्टील वायर
इसके ऊपर लपेटी है ना एलिमेंट आपने बनाया है, तो वो स्टील वायर की लेंथ आपने कम कर देनी है, ज्यादा स्टील वायर नहीं लपेटनी। तो अगर ज्यादा लपेटोगे तो उसके लिए 2 एम्पेयर का चार्जर ही चाहिए, अगर थोड़ी स्टील वायर लपेटोगे तो 1 एम्पेयर के चार्जर से भी वो चल जाएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉपर वायर है जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, एक फाइबर स्लीप है जो हीट को कंट्रोल करती है मतलब जलने से बचाती है, 2 यहाँ पर वायर है, यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर मैंने दिखाई है बट आप कोई भी रंग की ले सकते हो, और यहाँ पर लास्ट में स्टील वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमें चाहिए और ऊपर मैंने इसको बनाकर दिखाया कि एक कॉपर वायर के ऊपर सबसे पहले आपने स्लीप चढ़ानी है, फाइबर स्लीप, आपको कोई भी जो मोटर वाइंडिंग करते हैं ना उनके पास ये इजिली मिल जाएगी, तो इसको है, और 2 रेड और ब्लैक वायर जो मैंने आपको दिखाई है उसको आगे और पीछे की तरफ आपने लगाकर अच्छे प्रकार से उसको ट्विस्ट कर बांध लेना, मतलब अच्छे प्रकार से उसके साथ जोड़ देना है फाइबर स्लीप के साथ घुमा घुमा कर, और सेंटर में आपने जो स्टील वायर है उसको लपेटना है, मतलब स्टील वायर का एक हिस्सा आपने रेड वायर के साथ जोड़ना है और गोल गोल स्लीव के ऊपर घुमाते हुए और लास्ट का जो हिस्सा है उसको ब्लैक वायर के साथ जोड़ देना है। अब क्या होगा जब हम रेड और ब्लैक वायर के साथ 5 वॉट की सप्लाई देंगे तो बीच की जो स्टील वायर है वो जलने लग जाएगी, गर्म हो जाएगी, और जब वो गर्म होगी तो हमारी कॉपर वायर है ना जो सेंटर में डाली हुई है वो अपने आप ही गर्म होगी। तो इस प्रकार से जो हमारी कॉपर वायर जो सेंटर में इसकी जो हमने बिट बनाई है वो गर्म होगी और उसी से वो सोल्डिंग होगी, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार का आपने एलिमेंट बना लेना जैसे मैंने आपको सर्किट डायग्राम में बताया, और बाद में आपने माइक्रो यूएसबी जो मैंने आपको दिखाई थी उसके साथ इसकी दोनों वायर को जोड़ लेना, बस आपको इतना ही करना है। तो गाइज हमारा ये कंप्लीट तो हो चुका है, अब इसको चलाकर देखते हैं, इसकी टेस्टिंग की बारी है अब। तो हमने इसको जो हमारा चार्जर है 2 एम्पेयर का 5 वॉट का चार्जर, इसके साथ अब हम इसको अटैच कर लेंगे, चार्जर को हम लगा लेंगे, पर पहले सबसे पहले यहां पर हम सोल्डर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं अपने 5 वॉट के सोल्डर के साथ, मिनी सोल्डर के साथ। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 1 मिनट चार्जर को मैं लगा लूं पहले सर्किट बोर्ड में, और यहां पर एक पत्थर का मैंने जो टाइल होती है ना हमारी जो घर में लगती है उसको रख लेंगे, क्योंकि ये गर्म होगा तो अगर कहीं पर भी रखेंगे टेबल में या कहीं पर भी वहां पर ये मतलब जला देगा उसको लकड़ी को। तो यहां पर देखिए अभी ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो हाँ अब ये काफी गर्म हो गया। तो गाइस एक बात आपने ध्यान रखनी है, चाहे आप इसको बहुत ज्यादा एकदम से हीट होने वाला भी बना सकते हो पर उससे क्या होगा आपका एलिमेंट जल सकता है, मतलब उसके अंदर जो आपने स्टील वायर डाली है ना वो एकदम से जल जाएगी। तो आपने इतना उसको बनाना है कि वो 15 सेकंड में गर्म हो, ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड में गर्म हो जाए। तो अगर ऐसा आप बनाओगे सोल्डर की बहुत तेजी से गर्म हो रहा है तो वो उतनी जल्दी से खराब भी हो जाएगा। तो ये गर्म होने में कम से कम 15 सेकंड लेगा, हमने उस प्रकार से इसके ऊपर स्टील वायर की लेंथ लपेटी है। तो यहां पर देखिए मेरे पास एक डीसी मोटर है, इसको मैं बाद में जोड़कर दिखाऊंगा इसके साथ वायरिंग। तो यहां पर मेरे पास एक वायर भी पड़ी है, यहां पर हम इसको जोड़ेंगे, यहां पर हमारे पास जो फ्लेक्स पेस्ट होता है ना जिसके साथ हम सोल्डिंग करते हैं वो है ये, इसकी डब्बी को हम खोल लेते हैं और सोल्डर के साथ लगाकर आपको दिखाऊंगा इसको, और हमारे पास एक सोल्डिंग करने वाली जो वायर होती है वो भी है। तो हम इसको सबसे पहले फ्लेक्स में यहां पर लगाएंगे, तो इसको फ्लेक्स इसलिए लगाना पड़ता है ताकि ये जो सोल्डिंग वायर है इसके साथ अच्छे प्रकार से चिपक जाए। तो यहां पर हमारा जो सोल्डिंग वायर है अब मैं को इसके साथ जोड़कर आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, मेरा मोबाइल का जो फोकस है ना वो बार बार हिल रहा है इसलिए मुझे बार बार इसको फोकस करना पड़ रहा है। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, तो यहां पर जब मैं इसके साथ वायर के साथ जोड़ता हूं तो एकदम से पिघल कर इसके साथ ये चिपक रही है, देखिए। तो अभी हमारे 15 सेकंड भी नहीं हुए थे, सिर्फ 10 सेकंड हुए थे और अभी से ये जो वायर हमारी चिपकनी शुरू हो गई है। तो पूरे 15 सेकंड के बाद जब आप इससे सोल्डिंग करोगे तो एकदम से ये मक्खन की तरह इसको पिघलाकर जोड़ देगा। पहले सबसे पहले हम 2 वायर को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास कॉपर वायर है, इसको हम आपस में जोड़कर देखेंगे हमारे सोल्डर से। तो गाइज एकदम से ऐसे मत जोड़ना आप जैसे मैं ये जोड़ रहा हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं ये ऐसे नहीं, इसको इसके ऊपर फ्लेक्स पेस्ट लगाना जरूरी है तभी आपका जो सोल्डिंग है वो होगी। तो अभी मैं सिंपली आपको लगाकर दिखा रहा था, पर ये ऐसे सोल्डिंग कभी नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी सोल्डर है घर में वो भी उसमें भी आपको फ्लेक्स पेस्ट जो होता है ना इसके साथ लगाकर आप सोल्डिंग कर सकते हो। तो फ्लेक्स पेस्ट ही होता है जो सोल्डर वायर को पिघलाकर जोड़ देता है। यहां पर हमारा फ्लेक्स पेस्ट लग गया है, अब थोड़ी सी सोल्डर वायर लेंगे और अब इसके ऊपर हल्का से ऐसे ऐसे घुमाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगी। नीचे मैंने पत्थर रखा हुआ है, पत्थर क्यों इसलिए रखा हुआ है ताकि हमारा जो टेबल है वो मतलब नीचे से जल ना जाए। तो देखिए इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे घुमाना है और हमारी जो वायर है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो यहां पर देखिए हमारी वायर तो इस प्रकार से आपस में जुड़ गई है, मतलब इसकी सोल्डिंग हो चुकी है और बहुत ही मजबूती से सोल्डिंग हुई है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये अलग नहीं होगी, देखिए। ठीक है, हमारी जो वायर है अच्छे प्रकार से सोल्ड हो गई है। तो अब क्या करेंगे, जो ये वाली हमारी वायर है इसको हमने जिसको हमने सोल्ड किया है इसको या वो हमारी जो डीसी मोटर है छोटी वाली उसके साथ मैं इससे सोल्ड करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अब हमारी मोटर पर इसको सोल्ड करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारी डीसी मोटर है ना, उसकी जिस लेग में आपको सोल्डर करना है तो उसमें हल्का सा हमने सोल्डर लगाना है, ठीक है, ताकि जो उसका पुराना जो सोल्डर पेस्ट लगा हुआ है ना वो पिघल जाए। तो यहां पर देखिए, इस जगह पर हम सोल्डिंग करेंगे हमारी जो डीसी मोटर है। तो ये जो दो वायर थी जो मैंने अभी सोल्ड की है, तो इसको इसके ऊपर इस प्रकार से रखना है, और हमारे जो सोल्डर की टिप है उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करना है, देखिए इस प्रकार से, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। देखिए देखिए ये जुड़ गया है। अब मैं आपको इसको अलग कर भी दिखाऊंगा, मतलब ये तो सोल्डिंग होगी, अब डी सोल्ड करके दिखाऊंगा, मतलब इस वायर को अलग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी जो हमारी सोल्डिंग वायर है उसको इसके ऊपर लेंगे, देखिए धुआं देख सकते हो आप कितना ज्यादा निकल रहा है, मतलब यहां से आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमने थोड़ी सी जो हमारी सोल्डिंग वायर उसको ले लिया है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का घुमाऊंगा तो ये डी सोल्ड हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, देखिए ये अलग हो गया। अब फिर से इसको जोड़ना है तो फिर से इसको हल्का हल्का ऐसे आपने घुमाना है और ये बिल्कुल आपस में सोल्ड हो जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि दो वायर एक साथ जोड़ी हुई है इसलिए अलग अलग हो जाती है छूने पर ही। तो यहां पर देखिए ये सोल्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कोई मर्जी सोल्डिंग इससे कर सकते हो, बहुत ही इजी है इसको चलाना। और बड़ी बात तो ये है गाइस कि इसके आगे वाली जो टिप है ना, सिर्फ वो ही गर्म होती है, इसका जो हैंडल है जहां से हम इसको पकड़ रहे हैं ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, मतलब आप इसको इजिली पकड़ सकते हो और छोटा सा है, कहीं पर भी सोल्डिंग कर इसको रख सकते हो। इसको संभालने की कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, तो छोटा सा आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो। अगर कहीं पर लेकर जाना है, जैसे अपनी पॉकेट में डालकर कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, कहीं पर भी 5 वॉट के जैसे इसको अटैच कीजिए और इजीली अपनी आप सोल्डिंग कर सकते हो कहीं पर भी, अगर आपको सोल्डिंग करने की जरूरत पड़े। तो आई होप गाइस आपको ये सोल्डर अच्छा लगा होगा, छोटा सा मिनी सोल्डर जो सबसे ज्यादा छोटा है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो आप इसको ट्राई करके देखिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए हमारी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। और गाइज इस वीडियो को बनाने में काफी यार समय लगा, काफी मेहनत लगी, काफी आइडिया लगा यार, तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना यार। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।